सबसे ज़्यादा वीज़ा 24 में जो मिला वो G8 को मिला, हर बच्चा G8 में जाने लगा था। 2023 में सबसे ज़्यादा गया ऑलमोस्ट 9,75,000। जो कोई न्यू कासल में जाना चाहता है, एडिथ कॉमन में जाना चाहता है, मर्डोक में जाना चाहता है, वो फिर कोर्स वाइज उन्हीं में जाएंगे। तो ये मिनिस्ट्रियल डिसीजन 107 है जिसको ये खत्म करने जा रहे हैं। हाय स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है। तो टुडे वी आर हियर विद लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया की हाई कमीशन फीस सबको पता है कि $1,600 हो गई है, तो जो कि एक थोड़ी ज़्यादा ही है। एंड देन अब जो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पे कैप्स लगने वाला है, टोटल वीज़ा कितना देने वाले हैं। अब टोटल वीज़ा कितना देने वाले हैं वो एक बड़ा वो जो इन्होंने फिगर्स ली हैं वो 2023 में जो वीज़ा लगा था उसके हिसाब से इन्होंने फिगर्स ली हैं, और ये अराउंड 2.5 लाख के आसपास वीज़ा टोटल देंगे जो कैप लग रहा है, और 30% कट करेंगे ये। अब 30% के हिसाब से जो कैलकुलेशंस हैं, इनकी कैलकुलेशन बनाने का बहुत डिफरेंट तरीका कि कौन सी यूनिवर्सिटी में बच्चा सबसे ज़्यादा पढ़ा है, जहाँ से बच्चों ने चेंज नहीं किया है, लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ थी, फिर जहाँ से चेंज किए लेवल 2 हैं, हाई रिस्क हैं। अब ये जो हैं शायद लेवल सिस्टम ख़त्म करेंगे, हर यूनिवर्सिटी को एक कैप लगा देंगे कि आप इतना बच्चा ले सकते हैं। आप ये मानिए कि जो ये एजुकेशन इंडस्ट्री है वो ऑस्ट्रेलिया की 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है फॉर अर्निंग। अब इनका जो बिजनेस है एजुकेशन से वो बहुत बड़ा है, जो 4th लार्जेस्ट इनकम इनकी आ रही है, जो कि कैप लगाने के बाद हो सकता है क्योंकि वीज़ा भी एक काम आ रहे थे। तो अब इनकी ये 48 बिलियन इन्होंने इनकम ली है, तो हो सकता है इनको 20 बिलियन ही इनकम हो। अब उसमें भी कैप यूनिवर्सिटी वाइज लगेंगे, हर यूनिवर्सिटी को उस सीट अलॉट हो जाएंगी। अब मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, उसको शायद 2200 मिलेंगे, जो कि 2023 में उनको 1745 मिलेंगे, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट 2023 में सबसे ज़्यादा गया ऑलमोस्ट 9,75,000। 2019 में जो बच्चे हैं वो 9,52,000 के अराउंड गए थे। दैट मीन्स कि 2023 में बच्चा बहुत गया था, लेकिन अब वो रिडक्शन हो के आप ये देखिए 2,45,000 के अराउंड स्टूडेंट्स को टोटल मिलेगा, जिसमें कोई 95,000 वेट सेक्टर में और 1,45,000 हायर एजुकेशन में। अब हायर एजुकेशन और वेट सेक्टर, ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे सकते हैं वो टोटल मिला के 1,400। अब सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आएगा, जैसे तस्मानिया का मैंने बताया 2200 है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल है उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ा है, 1745 स्टूडेंट उसको मिला है। 2023 में 746 गया था, तो अभी जाके उनके कोई 50-60 और बड़ा 1800 के आसपास उनको मिला है। CDO की बात करें तो जस्ट 2200 उनको मिला है। यूनिवर्सिटी या UOW की बात करें तो उनका रिड्यूस हो गया, 4,387 जो 2023 में गया था बच्चा उसको रिड्यूस करके जैन में उनको मिलेगा 37। तो अभी टोटल फिगर्स नहीं आई हैं सब यूनिवर्सिटीज़ की, लेकिन ऐसे करके हर यूनिवर्सिटी का जो है कैप फिक्स होता है। ये अभी प्रपोज है, फाइनल होना है, सेनेट में गया भी, और देखो बहुत जल्दी इसकी विद इन अ वीक इसकी कन्फर्मेशन आ जाती है। लेकिन हम अगर मान के चलें कैप लगने के बाद क्या होगा वो हमें पता चलेगा, लेकिन इससे एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जो अभी वीज़ा नहीं मिल गए या एट रैंडम है तो हर यूनिवर्सिटी के पास एक कैप है, तो शायद उतना वीज़ा तो मिलेगा ही स्टूडेंट्स को। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो G8 यूनिवर्सिटीज़ को आएगी, लाइक
मोनैश है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, इनका जो डाटा अगर देखो कि इनके पास इतना स्टूडेंट है कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने अकेले 1.5 बिलियन कमाया, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न या मोनैश की बात करें तो 1.1 बिलियन उनके पास भी गया और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है इनके पास। तो इनका जो है स्टूडेंट का फिर रिड्यूस होगा एंड इनको अब थोड़ा इन चीज़ों पर फर्क पड़ने वाला है G8 यूनिवर्सिटीज को, क्योंकि सबसे ज़्यादा वीज़ा 24 में जो मिला वो G8 को मिला, हर बच्चा G8 पे जाने लगा। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं कि जो बच्चा वाकई में इंटरेस्टेड है G8 में तो वो G8 में जाएगा, और जो बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट है जो कोई न्यू कासल में जाना चाहता है, एडिथ कावन में जाना चाहता है, मर्डोक में जाना चाहता है, वो फिर कोर्स वाइज उन्हीं में जाएंगे। अभी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, अभी ये था कि उसको ज़्यादा वीज़ा मिल रहा तो बच्चा वहाँ अप्लाई करता था, चाहे उसका वहाँ कोर्स फिट हो रहा हो या ना हो रहा, या उसका जो एक्सपेंसेस उसकी पॉकेट में हो या ना हो। तो अब ये आने वाले टाइम में कैप लगने से ये शायद चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो जाएंगी कि बच्चा जो है स्टूडेंट जो है उसी यूनिवर्सिटी में जाएगा जिसमें कि उसका कोर्स फिट हो रहा है। और सेकेंड ये है कि जो लेवल ख़त्म करने से तो हर यूनिवर्सिटी एक ही लेवल में आ जाएगी, ये भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो लेवल वन या लेवल टू या लेवल थ्री के हिसाब से वीज़ा दे रहे थे। लेवल वन मीन्स आपको हाई प्रायोरिटी मिलेंगे, लेवल टू मीन्स उसके कम प्रायोरिटी, लेवल थ्री उससे भी कम प्रायोरिटी। तो ये मिनिस्ट्रियल डिसीजन 107 है जिसको ये ख़त्म करने जा रहे हैं। जैन 2025 की ये सारी बातें हो रही हैं, सैनेट में बिल जा रहा है। मेरे ख्याल इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक मैंने देने की आपको कोशिश की है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से जल्दी आएंगे। हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर आप शेयर करें। थैंक यू।